राजनांदगांव जिला पुलिस बल द्वारा लगातार चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान के तहत जिला पुलिस बल को लगातार नक्सलियों के खिलाफ भारी सफलता मिल रही है, जिससे नक्सलियों का मनोबल टूटने लगा है, क्योंकि नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पुलिस को सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में नक्सलियों की सामान की बरामदगी भी हो रही है। जिला पुलिस बल द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान के तहत जिला पुलिस बल को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। लगातार जिला पुलिस बल द्वारा नक्सलियों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, वहीं नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है और नक्सली सामान पुलिस द्वारा लगातार जब्त किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट पर है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। सतत मतदान के लिए जिला पुलिस एसटीएफ, आईटीबीपी, डीआरजी, सीएफ की टीम लगातार नक्सली क्षेत्रों में सर्चिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एएसपी गोरखनाथ बघेल ने बताया कि माओवादी क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों द्वारा डंप कर सामान रखा गया था, जिसे पुलिस बरामद कर ली है। इसमें पुलिस लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है एवं उनकी आवश्यकताओं के सामान पुलिस लगातार बरामद कर रही है, जिससे नक्सलियों का मनोबल लगातार टूटते जा रहा है। पुलिस लगातार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए नई रणनीति के तहत काम कर माओवादी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में जुटी हुई है। निश्चित है उनके सामान जब्त होने से उनके मनोबल टूटेगा और हम एक नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव माओवादी क्षेत्र में शांतिपूर्वक करवाएंगे। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, एसीएन 24।